ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शनिवार को दूसरे दिन भी जारी है। दूसरे दिन एएसआई की टीम मस्जिद और तहखाने में दाखिल हुई। इसमें मुस्लिम पक्ष ने टीम का सहयोग किया और दोनों जगहों का ताला खोला। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने चाबी देने से इनकार किया और कहा कि जहां जहां हमें बोला जा रहा है वहां वहां ताला खोला जा रहा है, तो हम चाबी क्यों दे। We are satisfied with the SI survey till and we are not going to obstruct any portion or part of the SI survey. Sir, we have heard somewhere that Muslim side is not supporting, but today you are over here. How do you see this overall, you know? Till yesterday, we are not participating, but today we are participating and we are assisting the SI team. Where you required. So you people are totally saturated from the ASI team? Still the function of the ASI is satisfied. Thereafter whatever it will be. आपको बता दें कि मस्जिद के बजूखाने को छोड़कर तहखाने के अंदर भी सर्वे किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने बताया कि एएसआई की टीम अभी मस्जिद के ऊपरी हिस्से में सर्वे कर रही है। इस दौरान मेजरमेंट, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की जा रही है। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण सर्वे की कार्रवाई नहीं हो पाई थी। एएसआई ने यह साफ किया है कि यह सर्वे बिना किसी खुदाई और संरचना को कोई नुकसान पहुँचाए किया जाएगा। कहीं कुछ नहीं मिला, अभी केवल सफाई करा रहा है, मिट्टियाँ हटवाने की प्रक्रिया में लगे हैं। अभी मेजरमेंट तकाने का ऊपर भी गुंबद वगैरह में नाप जोख ये मेजरमेंट कर रहे हैं। ये अभी केवल ये चल रहे हैं। अभी अब सेकंड जो ढाई बजे लगभग जो है नमाज समाप्त होगा, उसके बाद नमाज जहाँ पढ़ा जाता है गुंबद में, वहाँ भी ये मेजरमेंट अपना नाप जोख फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये कार्रवाई काफी सुचारू और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से एएसआई अपने काम को कर रहा है। मस्जिद के ऊपरी हिस्सों में भी नहीं, अभी ऊपरी हिस्सों में नहीं, मस्जिद जो गुंबज है, जो मंदिर का हिस्सा है, मेन हमारा सेंट्रल डोमेन है, सेंट्रल टोम है, जो मूल हमारा जो है गुंबज है मंदिर का जो है, वहाँ उसके अंदर भी नाप जोख मेजरमेंट ये कर रहे हैं इन्होंने, फोटोग्राफी बिल्कुल मशीनें भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये फोटोग्राफी भी ले रहे हैं, पूरी रूपरेखा ये तैयार कर लिए हैं एक एक बिंदुओं को। वो जो गुंबद, अब टीम इनकी लगभग 40 की टीम है, अभी जो है घट बढ़ रहे हैं, जो इनकी चार यूनिट चारों कोनों में लगी हुई है। वेस्टर्न वॉल पे तो काम चल ही रहा है, आज सेंट्रल हॉल जो सेंट्रल डोम इनका मुख्य गुंबद हमारे मंदिर, वहाँ भी इनकी टीम लगी है, वहाँ भी मेजरमेंट कर रहे हैं, फोटोग्राफी वहाँ कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष भी भाई सहयोग कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष के भाई देखिए, सारे अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जो पूरी कमेटी के सचिव साहब थे, उनके अधिवक्ता भी है, दो तीन अधिवक्ता है, कुल मिला के अंजुमन इंतजामिया भी पूरा सहयोग कर रहा है, मुस्लिम पक्ष भी सहयोग कर रहा है। कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश में पूरे सकारात्मक हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, सारे लोग जो है सहयोग कर रहे हैं, इसलिए कहीं नकारात्मक पहलू नहीं है। एएसआई सकारात्मक ढंग से अपने काम को कर रही है, बड़े पॉजिटिव तरीके से काम कर रही है। बिल्कुल, तहखाना खुला हुआ है, व्यास जी का जो तहखाना खुला है, उस तहखाने में, व्यास जी के तहखाने में नाप जोख फोटोग्राफी मेजरमेंट कर रहे हैं। मिट्टी अब चूंकि अंदर गंदगी मलबे भरे पड़े हैं, बांस भरे, बल्लियां भरी पड़ी हैं, उनको हटाने के बाद ही ये कोई कार्रवाई आगे करेंगे। नहीं, अभी कुछ मिला नहीं है, मिलने की तहखाने में जो मिट्टी का ढेर लगा हुआ था ब्यासी के तहखाने में, संभाव्य है कि उसमें हमारे मूर्तियों का अवशेष है, उसको सफाई कर किया जा रहा है। अभी मूर्तियां निकली नहीं है, मिली नहीं है, लेकिन संभावना है साफ सफाई हो रही है। वहां पर जीपीआर का छोटा रूप का जो यंत्र होता है, एडीजीपी कार का बता रहे थे, उसको लगाए हैं। जीपीआर नहीं हुआ, छोटा यंत्र उसका लगाया है। हंटी मूर्तियों का अवशेष, गुंबज के अवशेष कुछ मिले हैं, ये सब पड़े हुए हैं, कोई खुदाई नहीं। गुंबज की जांच वो लोग यंत्र द्वारा कर रहे हैं, बहुत सिर्फ मशीनों का ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अभी हो रहा है, वो छोटे छोटे यंत्र मशीनें हैं जिससे हो रहे हैं। बहुत हाईटेक मूर्तियां अभी नहीं मिली हैं, मूर्तियां जो मलवा गिरा है उसमें मूर्तियों के टूटे अवशेष ही हैं, वही मिल रहे हैं, और संभावना है कि नीचे मूर्ति है।
आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने मस्जिद के एएसआई सर्वे को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे ना कराए जाने की मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज किया और हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए मस्जिद का सर्वे कराने को मंजूरी दे दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।